हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों, आज की हम वीडियो में जो बात करेंगे वो यंत्र शक्ति की करेंगे। अब देखो, हमारी लाइफ में एक मंत्र है जो मन का तराता है, मन की खुराक है, फिर एक तंत्र होता है और एक यंत्र होता है। यंत्र आपने देखा होगा, लोग सोने के चांदी के ऊपर लिखते हैं, बनाते हैं, उस पर डिजिट्स लिखे होते हैं, वर्ड लिखे होते हैं, उसको यंत्र कहते हैं। पर वो यंत्र कहाँ से शुरू करना है, कौन सा वर्ड लिखना है, किस डायरेक्शन में बैठ के साधक ने लिखना है, ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आज जो हम स्पेशल यंत्र की बात कर रहे हैं वो है कि अगर दुनिया में, इंडिया में, अपने घर में या संसार में कोई भी हमारा काम रुका हुआ है, जिसमें पैसे का काम है, शादी का काम है, कोर्ट कचहरी के मुकदमे डिले हो रहे हैं, या कोई बिजनेस का काम रुका हुआ है, कोई भी काम जो रुका हुआ है उसमें इसका फ़ायदा हो, तो वो कैसे यंत्र बनाए, किस दिशा में बैठ के साधक उसको बनाए। लेकिन एक बात का इसमें साधक ने ध्यान रखना है कि पूरा इसको श्रद्धा भाव से बनाना है और डिवाइन मूड में बनाना है। और ये जो हमारा यंत्र अभी बनेगा, ये मार्स रिलेटेड यंत्र है। वो कैसे आएगा कि जैसे देखो, सूरज जो है वो जिधर से निकलता है और जिधर डूबता है, उस सारी दिशा गैलेक्सी के अंदर जो है उसको हम 10 पार्ट्स में बांट सकते हैं। और उसको जो एक पार्ट होता है उसको हम होरा कहते हैं, HORA, होरा। तो वो एक्यूरेट हम निकाल सकते हैं, हमारे वेदों ने भी निकाला हुआ है। इसका मतलब कि जो गैलेक्सी का स्पेसिफिक जो वर्ल्ड है, जो फिगर है, 1, 2 या 4, 5 जो भी, उसका कोई मतलब है यंत्र के अंदर। तो बड़े डिवाइन मूड में इसको हमने टेबल पे बैठ के, एक कागज़ रख के, अपने हाथ में एक प्रॉपर पेन लेके, साधक ने बनाना कैसे है उसको सिखाते हैं। अब टेबल पे बैठ गया, कागज़ उसने रख लिया, पेन अपने हाथ में पकड़ लिया, अब ईस्ट टू वेस्ट उसने शुरू करना है। तो ये पकड़ा और यहाँ से उसने एक लाइन मारी, इसको नीचे लाइन मारी, इसको फिर आगे ले गया, फिर ये ऊपर ले गया, ये एक रेक्टेंगल बन गई। इसके बाद तीन भाग कर लिए, इसके तीन भाग कर लिए, इसके तीन भाग कर लिए, और ये उसने लाइनें मार ली। ये बड़ा आसान है, साधक इसको टेबल पे बैठ के बना सकता है, अपने घर में या कहीं भी बना सकता है। अब इसके ऊपर डिजिट जो हैं, वर्ल्ड हैं, वो कौन से लिखने हैं, वो जो ऑलरेडी हमारे वेदों में हमारे महर्षियों ने तपस्या कर करके निकालने हैं, वो ही लिखने हैं, क्योंकि उन्हीं पे महादेव का आशीर्वाद है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, 9 के बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 7, उसके बाद लिखेंगे 8, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 10, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 6। तो ये साधक ने पूरा लिख लिया कागज़ के ऊपर, और इधर महाप्रभु की जो ओम पराशक्ति है उसको बना दिया। दूसरा आदमी अपने धर्म का बना सकता है, क्योंकि प्रभु को बीच में रखना है, तो ये बना दिया। अब ये 18 का नक्श हमने बनाया, 18 का नक्श, ये नक्श बनाया हमने। अब ये एक चीज़ कागज़ पे बन गई। तो अब साधक ने ये जो टोटल कहीं से भी करेगा, उस सब का टोटल 18 बनेगा। जैसे देखो, 9, 4, 5, 18, 2, 6, 10, 18, 7, 8, 3, 18, 9, 6, 3, 18, 7, 6, 5, 18, हर जगह से जब 18 बनेगा तो इसको भोरा यंत्र कहते हैं। तो भोरा यंत्र जो है, जहाँ सब टोटल एक आए, मतलब एक ही फिगर आए। तो ये दोस्तों, एक यंत्र बना के अब साधक ने क्या करना है, एक तो तरीका है कि इसका छोटा सा तवीज़ सोने चांदी का बना के गले में डाल लें, ये एक तरीका है। दूसरा है कि जिसके बड़ी जिसको मुसीबतें हैं वो क्या करे कि इसको फोल्ड करे, फोल्ड करके छोटा सा इसको फोल्डिंग पैक बना के उस पर रबड़ चढ़ा के उसको हमें बहते हुए पानी में, नदी हो, कुआं हो, दरिया हो, कोई घर के पास हो, सिटी के पास हो, वहाँ प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन इसको बनाने का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त है, जो 3 बजे से लेके 4:45 बजे के बीच है। तो 7 दिन तक साधक ने इसको बनाना है। अब जब डालना है पानी के अंदर या गले में डाल के रखना है उसको, तो उस समय उसको महाप्रभु का नाम लेना है।
तो पहले इसको फोल्ड कैसे करेंगे वो सीखो आप। जैसे ये कागज़ को हमने फोल्ड कर लिया, ऐसे करके साधक ने फोल्ड किया, इसको एक को फोल्ड और किया और इसको हमने ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड करके जितना छोटा बन सके उतना छोटा इसको बना लिया, ये बन गया। अब छोटे फोल्ड बना के उसके ऊपर जिस प्रभु को आप मानते हैं, हम शिव को मानते हैं, हमने शिव लिख दिया, शिव लिख दिया। दूसरा एक काम और कर सकता है साधक, जैसे ये लिख दिया, अब ये अपने लिखने से पहले समझो आपका फैमिली में झगड़ा है, तो इसके नीचे हम एक काम और कर सकते हैं कि साधक भूल ना जाए, इसलिए समझो कौन सा बिजनेस आपका रुका हुआ है वो यहाँ लिख दिया आपने, कौन सी शादी रुकी हुई है आपकी किसकी उसका नाम यहाँ लिख दिया, उसकी माँ का यहाँ नाम लिख दिया, कौन सा कोर्ट कचहरी मुकदमा डिले हो रहा है उसका कोर्ट का नाम लिख दिया और केस का नाम लिख दिया, ये अंदर भी लिख सकते हैं और जब इसको फोल्ड करेंगे तो वो बाहर भी लिख सकते हैं, ये साधक की इच्छा है, महाप्रभु के नीचे लिख सकते हैं। तो इसको रबर डाल के इसको साधक ने 7 दिन तक 7 नक्श बनाने हैं और जल और बहते हुए पानी में इसको प्रभावित कर देना है। उस समय उसको अपने इष्ट का याद रखना है, इष्ट कैसे प्रभावित करेगा, मन में भावना बनाएगा महाकाल की, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, यंत्र मंत्र कला कलंतर, यंत्र मंत्र कला कलंतर, ओम नमो शिवाय असली मंत्र, बगड़ बम है असली तंत्र, जिन शब्दों पर जिन अक्षर पर शिव का साया वो ही भगतो असली यंत्र। तो जो यंत्र में शब्द हैं इस पे शिव का आशीर्वाद है, ये असली यंत्र बनेगा। तो इसको साधक जब ट्राई करेगा तो मन में शिव की ये भावना बनाएगा, अपने इष्ट को याद करके हाथ जोड़ के इसको प्रभावित कर देगा, उसके बाद वो छोटे सा चांदी का या सोने का बना के अपने गले में भी डाल सकता है, या स्पेशली छोटे बच्चों में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनका कोई भी काम नहीं हो रहा, उनके गले में डाल देते हैं, ये तवीज़ है। तो ये साधक जब ट्राई करेगा तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। और फिर बता रहे हैं कि इस यंत्र का नाम क्या है, भोरा यंत्र, जिसमें सारे टोटल 1 आएंगे। ये भोरा यंत्र बना हमारा, ये मार्स रिलेटेड है, क्योंकि सारे यंत्र का अलग अलग क्वालिटीज हैं, अलग अलग काम के लिए उनको यूज़ किया जाता है। तो ये आपको पहले बताया, जब काम रुके हुए हों, बीमारी ठीक ना हो रही हो, कोई बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ये रुकावट के लिए, रुकावट को दूर करने के लिए है। तो इसको साधक श्रद्धा भाव से बड़ी डिविनिटी से ट्राई करे तो उसका काम बन जाएगा। हर हर महादेव।